नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष में योगों को किस तरह से देखा जाता है और उनका कैसा फल प्राप्त होता है। अभी तक हमने आपको बहुत से योग बताए, उनमें है अनफा योग, पास योग, केदार योग, वरिष्ठ योग, कुहु योग, शंख योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, सूल योग आदि की जानकारी दी है। तो आप वो सब वीडियो को देखे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से इन योगों को देखा जाता है। उसी श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि नल योग को कैसा देखा जाता है। नल योग देखने के लिए जो कुंडली में आपको देखना होगा कि अगर वो यदि लग्न दो स्वभाव राशि का हो तथा कई ग्रह अगर दो स्वभाव राशियों में हो तो नल योग का निर्माण होता है। फिर से आप जाने के जैसा यहाँ पे लग्न है 12 नंबर के जो राशि है वो मीन राशि है, ये दो स्वभाव राशि है, तो लग्न दो स्वभाव राशि में हो गया। फिर हमने देख रहे हैं कि ये जो 3 नंबर की और 6 नंबर और 9 नंबर के जो राशियां हैं ये भी दो स्वभाव राशियां हैं। तो इसमें हम यहाँ बृहस्पति देख रहे हैं, यहाँ मंगल देख रहे हैं, यहाँ सूर्य बुध देख रहे हैं। तो इस तरह से कई ग्रह दो स्वभाव राशि में हो तो नल योग का निर्माण होता है। तो आप भी अपनी कुंडली देखिए, अगर आपके दो स्वभाव राशि का लग्न है और कई ग्रह दो स्वभाव राशियों में है तो आपका भी इसी तरह से आप जान सकते हैं कि नल योग का निर्माण हो गया है। तो आप ये जानने की कोशिश करेंगे अगर ये निर्माण हो गया है तो इस नल योग का किस तरह से इसका फल हो सकता है। तो इस तरह हम जानने की कोशिश करेंगे, इस योग वाला जो जातक है वो धन संग्रह करने वाला होता है, अत्यंत चतुर होता है, पुण्यवान होता है, देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। और इस कभी कभी ये भी देखा गया कि ये कम या अधिक अंग वाला भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक दाव पेच में अत्यंत कुशल होने के कारण निर्वाचन में भी सफलता की प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो जातक है ये धन संचय करने वाला भी हो सकता है, अत्यंत कुशल होता है, तो सुंदर होता है। और जिससे कि आपने देखा कि किस तरह से नल योग बनता है, नल योग बनने के लिए हमने आपको जानकारी दी कि आपका लग्न दो स्वभाव राशि का होना चाहिए तथा कई ग्रह जो है दो स्वभाव राशि में होना चाहिए। तो यहाँ पे दो स्वभाव राशि में मीन राशि है का लग्न है और हम देख रहे हैं कि ये तीसरे छठे नौवे जो दो स्वभाव राशि है यहाँ पे बृहस्पति मंगल सूर्य बुध कई ग्रह बैठे हुए हैं, जिससे नल योग का निर्माण हो गया। नल योग के निर्माण होने से जातक अत्यंत शत्रु होता है, धन संग्रह करने वाला होता है। तो इस तरह से आप भी देख सकते हैं कि आप कुंडली में इस तरह का योग बन रहा है तो आप दो स्वभाव के अगर आपके लग्न है और इस तरह से ग्रह आपके दो स्वभाव राशियों में बैठे होंगे तो आप भी अपने कुंडली में इस तरह के योग को देख के इसके फल का जानकारी प्राप्त कर, इस तरह के फल की जानकारी जो दी गई वो आपके लिए लागू हो सकती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे मुख्य ग्रह भी आपका गुरु बनता है, तो मुख्य ग्रह को हमेशा मजबूत कीजिए। अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आप लग्न को बलवान कीजिए। आप पंचम भाव से हम इष्ट देवता देखते हैं तो इष्ट देव की आराधना कीजिए। साथ साथ में जब भी ये जो दो स्वभाव राशियों में जो ग्रह बैठे हैं जब उनकी दशा अंतरदशा चलेगी तो इस तरह के फल प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उन ग्रहों की जब भी दशा अंतरदशा चले तो आप उनके मंत्रों के जाप कीजिए, 108 बार कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। तो आज हमने जो योगों की श्रृंखला में आज को आपको बताया कि नल योग क्या होता है और उसको कैसा कुंडली में देखा जा सकता है तथा उसके क्या फल प्राप्त हो सकते हैं और उनको किस तरह से उनका प्रभाव को अच्छा किया जा सकता है, इन सब की जानकारी आपको दी। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसकी जानकारी दीजिए।
आपने मेरा कोर्स, आप मेरे से परामर्श प्राप्त करना चाहते हो तो मामूली दक्षता देने के परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।